टाटा केवल एक बिजनेस ग्रुप नहीं बल्कि देश के भरोसे का नाम है। और आज हम टाटा ग्रुप की अमेजिंग सक्सेस जर्नी को ही शुरू से जानने वाले हैं। दरअसल ये सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी की कहानी नहीं है बल्कि 200 सालों के एक ऐसे लेगेसी की कहानी है जिसने इंडियन बिजनेसेस का चेहरा बदल दिया। टाटा ग्रुप ने देश को वो सब कुछ दिया जिसकी देश को जरूरत थी। देश का पहला स्टील प्लांट, लग्जरी होटल, हाइड्रो पावर प्लांट, पहली एयरलाइन, पहला कैंसर हॉस्पिटल और इसके अलावा भी बहुत कुछ। और ये सब कहानी शुरुआत होती है आजादी से लगभग 100 साल पहले, जब गुजरात के नवसारी में एक पारसी परिवार रहता था। नूरशार वांजी टाटा और उनकी पत्नी अपने गांव से मुंबई जाकर कॉटन ट्रेडिंग का बिजनेस करते थे। 1839 में जब उनके इकलौते बेटे जमशेद जी टाटा का जन्म हुआ तो उनकी परवरिश और पढ़ाई पर उन्होंने काफी ध्यान दिया। वैसे तो जमशेद जी का बचपन तो नवसारी में ही गुजरा था, लेकिन 14 साल की उम्र में वो मुंबई आकर अपने पिता के बिजनेस में हेल्प करने लगे। और अलफरिस्तान कॉलेज से ग्रेजुएशन करते समय केवल 14 साल की उम्र में ही उनकी शादी हीराबाई से हो गई, क्योंकि चाइल्डहुड मैरिज उस समय आम बात हुआ करती थी। 1858 में जब जमशेद जी 19 साल के थे और हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय अमेरिका कॉटन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर देश था और अंग्रेज ज्यादातर कॉटन अमेरिका से ही इम्पोर्ट किया करते थे। लेकिन उसी दौरान अमेरिका में सिविल वार शुरू हो गया और वहां से कॉटन की सप्लाई बंद हो गई, जिसका असर यह हुआ कि इंडिया में कपास की डिमांड कई गुना बढ़ गई और जमशेद जी अपने पिता के साथ कॉटन ट्रेडिंग के बिजनेस में पूरी तरह उतर गए। उनके पिता बिजनेस में नई टेक्नोलॉजी को काफी जरूरी मानते थे और इसलिए उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को समझने के लिए जमशेद जी को दुनिया के कई अलग अलग देशों में भेजा, जिसका नतीजा ये हुआ कि जमशेद जी ने यूरोप, जापान, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स में भी अपने ब्रांचेस शुरू कर दिए। और गौर करने वाली बात ये भी है कि अभी भी हवाई जहाज और टेलीफोन की शुरुआत नहीं हुई थी। और जब एक बार जमशेद जी का बिजनेस एक्सपेंशन के लिए हांगकांग के दौरे पर था, तब उनकी आंखें खुली। उन्हें महसूस हुआ कि दुनिया हमसे काफी ज्यादा आगे है और देश को अगर दुनिया की बराबरी करनी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और एम्प्लॉयमेंट हमें काफी ध्यान देने की जरूरत है। जमशेद जी एक देशभक्त इंसान थे। उन्होंने एक ऐसा बिजनेस डेवलप करने का फैसला किया जो देश को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ लोगों को अच्छी शिक्षा और रोजगार भी दिलाएगा, और इसी सोच ने टाटा ग्रुप की बुनियाद रखी। साल 1868 में 21,000 रुपए कैपिटल के साथ जमशेद जी ने एक ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत की और साथ ही मुंबई में पुराने ऑयल मिल को खरीद कर अलेक्जेंड्रा के नाम से कॉटन मिल में कन्वर्ट कर दिया। हालांकि इस मिल को 2 साल तक चलाने के बाद उन्होंने इससे अच्छे मुनाफे में बेच दिया और जो पैसे मिले उससे मुंबई पोर्ट से 800 किलोमीटर दूर नागपुर में इम्प्रेस मिल के नाम से कॉटन मिल की शुरुआत की। लेकिन उनके इस चौंकाने वाले फैसले का सबने मजाक उड़ाया, क्योंकि अगर देखा जाए तो उनका पूरा बिजनेस ही एक्सपोर्ट पर निर्भर था और मुंबई पोर्ट से लगभग 800 किलोमीटर दूर में लगाना किसी के समझ में नहीं आया। लेकिन जमशेद जी ने ये फैसला दुनिया घूमकर इकट्ठा किया, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर लिया था। दरअसल नागपुर में कॉटन का प्रोडक्शन होता था, सस्ते में लेबर मौजूद थे और ट्रेन से मुंबई पोर्ट की कनेक्टिविटी भी काफी अच्छी थी, और यही रीजन था कि इम्प्रेस मिल ने कमाल कर दिया। सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला और टाटा ग्रुप फेमस होने लगा। एक तरफ जहां अंग्रेजी हुकूमत हम भारतीयों को नौकर समझती थी और हमारे मजदूर दिन रात की तरह काम करते थे, वहीं जमशेद जी ने एम्प्लॉयज के वेलफेयर के बारे में सोचना शुरू कर दिया और इम्प्रेस मिल के कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि यानी कि प्रोविडेंट फंड और ऐसे ही कई स्कीम की शुरुआत की। यहाँ तक कि फैक्ट्री में वर्किंग कंडीशन को सुधारने के लिए नौकरी का समय 8 घंटे कर दिया गया, सुरक्षा के उपकरण लगाए गए और बिना सैलरी की कटौती के छुट्टियों की शुरुआत भी जमशेद जी ने ही की थी। जमशेद जी के 4 ऐसे ड्रीम थे जिनके बिना देश की तरक्की पॉसिबल ही नहीं थी। वो सपने थे एक आयरन और स्टील कंपनी की स्थापना जिससे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो सके, एक वर्ल्ड क्लास होटल की शुरुआत क्योंकि उन दिनों इंडियंस को यूरोपियन होटल्स में एंट्री नहीं मिलती थी, और एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल स्कूल और एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जिससे हमारी इंडस्ट्री का तेजी से विकास हो। और उनके ये ड्रीम को पूरा करने के लिए उनके दोनों बेटे दौरव जी टाटा और सर रतन टाटा पूरे जी जान के साथ उनके साथ लगे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे रतन टाटा सर के ग्रैंडफादर का नाम भी सर रतन टाटा ही था। साल 2003 में जमशेद जी का एक सपना हकीकत में तब बदला, मुंबई के कोलाबा तट पर ताजमहल होटल खोला गया जो देश का पहला ऐसा होटल था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी थी। हालांकि बाकी बचे 3 सपनों के भी वो काफी करीब थे, लेकिन साल 1904 में जर्मनी में उनकी डेथ हो गई। जमशेद टाटा के बाद उनके बड़े बेटे दौरव जी टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर था अपने पिता के अधूरे काम को पूरे करने का, और काफी मुश्किलों के बाद साल 1907 में उन्होंने टाटा आयरन और स्टील यानी कि टिस्को की स्थापना करी, जिसे आज हम टाटा स्टील के नाम से जानते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज का जमशेदपुर जिसे हम टाटा नगर के
नाम से भी जानते हैं। उसे टेस्को एम्प्लॉयज के लिए साक्षी सिटी के नाम से दौरव जी ने ही बसाया था। और अब समय आ गया था कि जमशेद जी के बाकी दो सपनों को पूरा करने के लिए दौरव जी टाटा ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और 1911 में टाटा पावर की नींव रखकर पूरा कर दिया। दौरव जी का बिजनेस के अलावा गेम्स में भी काफी इंटरेस्ट था और भारतीय खेलों को प्रमोट करने के लिए इंडियन ओलंपिक मूवमेंट की शुरुआत भी उन्होंने ही की थी। आगे चलकर जब भारतीय ओलंपिक संघ बनाया गया तो सर दौरव जी टाटा उनके पहले अध्यक्ष बनाए गए। दौरव जी टाटा की शादी मेहरबाई से हुई थी, जो फेमस साइंटिस्ट डॉक्टर होमी बाबा की रिलेटिव थी। लेकिन दुर्भाग्य से दौरव जी की कोई संतान नहीं हुई और उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी एक ट्रस्ट बनाकर चैरिटी के लिए दान कर दिया, जिसे आज हम दौरव जी टाटा ट्रस्ट के नाम से जानते हैं। उनकी वाइफ मेहरबाई की कैंसर से मौत हुई, जिसके बाद दौरव जी ने स्पेशली कैंसर में रिसर्च के लिए लेडी टाटा मेमोरियल ट्रस्ट भी शुरू किया और एक साल के भीतर ही 1932 में उनकी भी डेथ हो गई। दौरव जी टाटा ट्रस्ट ने डॉक्टर भाभा एटॉमिक रिसर्च को भी काफी सपोर्ट किया था और आज इंडिया के सभी वर्ल्ड क्लास टेक्निकल इंस्टीट्यूट मिशंस को भी एस्टेब्लिश करने और उनके प्रमोशन में ही ट्रस्ट का मेजर रोल है। दौरव जी के छोटे भाई सर रतन टाटा का बिजनेस से ज्यादा सोशल एक्टिविटीज में इंटरेस्ट था और उन्होंने देश की आजादी के लिए गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी की भी आर्थिक रूप से मदद की थी। एक बार जब मोहनजोदारो और हड़प्पा की खुदाई फंड की कमी की वजह से रुक गई थी तो सर रतन टाटा ने पैसे देकर फिर से शुरू कराया था और इन्होंने भी अपनी पूरी संपत्ति परिवार को देने के बजाय एक ट्रस्ट बनाकर उसमें दान कर दिया, जिसे आज हम सर रतन टाटा ट्रस्ट के नाम से जानते हैं। दौरव जी के बाद टाटा ग्रुप की कमान सर नवरोजी सकलतवाला जी को दी गई। दरअसल जमशेद जी टाटा उनके मामा थे और उनका ड्रीम्स को पूरा करने में सकलतवाला ने दौरव जी टाटा के साथ मिलकर दिन रात कड़ी मेहनत की थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि टाटा ग्रुप में नवरोजी सकलतवाला के कैरियर की शुरुआत में मुंबई के स्वदेशी मिल से 50 रुपए महीने की सैलरी पर एक क्लर्क के रूप में हुई थी। सकलतवाला को कंपनी की कमान उस समय सौंपी गई जब दुनिया मंदी की चपेट में थी। उन्होंने कंपनी की ग्रोथ को बरकरार रखा, लेकिन साल 1938 में हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। और अब हम बात करेंगे टाटा ग्रुप के अगले और सबसे क्रांतिकारी लीडर जेआरडी टाटा के बारे में, जिन्होंने टाटा ग्रुप के दुनिया के हर कोने में पहुंचा दिया। 50 सालों तक वे टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने रहे और $100 मिलियन और 15 कंपनीज के टाटा ग्रुप को $5 मिलियन और 95 कंपनीज का ग्रुप बना दिया। वो देश के इकलौते इंडस्ट्रियल जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। असल में जेआरडी जी के टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनने का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। दरअसल उनके पिता रतन जी दादा भाई टाटा जमशेद जी टाटा के कजन थे और उनकी माँ सुजैन फ्रांस के रहने वाली थी, इसलिए उनका बचपन भी फ्रांस में ही बीता। और जब गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से उन्हें एक साल आर्मी में काम करना पड़ा तो उन्हें बड़ा मजा आया और उसी नौकरी को वो आगे भी करना चाहते थे। लेकिन उनके पिता ने साल 1925 में उन्हें इंडिया भेज दिया। जेआरडी टाटा इस उम्मीद से घर आए कि घर की कंपनी है और किसी बड़े पोजीशन में काम करने को मिल जाएगा, लेकिन टाटा ग्रुप में परिवारवाद की कोई जगह नहीं थी। उन्हें बिना सैलरी के एज अ अप्रेंटिस काम पर लगाया गया और धीरे धीरे उनके अंदर भी देश प्रेम और समझ के लिए कुछ करने का जज्बा पैदा हुआ, जिसकी शुरुआत जमशेद जी ने की थी। जेआरडी टाटा की जिंदगी रोमांच से भरी हुई थी। वो कहते हैं कि जिंदगी को थोड़ा खतरनाक ढंग से जीना चाहिए। उन्होंने फ्लाइट उड़ाने की ट्रेनिंग की और 1929 में उनको इंडिया का पहला कॉमर्शियल पायलट का लाइसेंस मिला। और 1932 में जेआरडी ने टाटा एयरलाइन की स्थापना की, जिसे 1953 में भारत सरकार ने एयर कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत अपने कंट्रोल में लेकर एयर इंडिया का नाम दे दिया। इस तरह सरकार ने उनकी सबसे पसंदीदा चीज उनसे छीन ली थी। हालांकि जेआरडी टाटा 1977 तक एयर इंडिया के अध्यक्ष बने रहे और साथ ही टाटा ग्रुप के बिजनेस का विस्तार भी अलग अलग सेक्टर में शुरू कर दिया। 1939 में टाटा केमिकल्स की शुरुआत हुई, जिसके तहत शुरू किया गया था टाटा नमक, आज देश के नमक के रूप में जाना जाता है। 1936 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, 1941 में मुंबई में शुरू किया गया एशिया का पहला टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल, 1945 में टाटा मोटर्स, 1954 में वोल्टास, 1968 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस और साल 1987 में टाइटन इंडस्ट्री की शुरुआत की। और इस एम्पायर की सबसे बड़ी वजह टाटा के एम्प्लॉयज थे। ढेर सारे ऐसे किस्से जो बताते हैं कि जेआरडी टाटा अपने कर्मचारियों का कितना ख्याल रखते थे और जमशेद जी ने एम्प्लॉयज वेलफेयर के लिए जो स्कीम शुरू किए थे उन्हें सभी कंपनी में लागू किया। 1991 ये भारत में इकोनॉमिक लिबरेशन का साल था। गवर्नमेंट ने फॉरेन कंपनी के लिए इंडियन मार्केट को ओपन कर दिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि कंपटीशन की वजह से टाटा ग्रुप मुश्किल दौर से गुजरने लगा और कर्ज के बोझ बढ़ता चला गया। फिर रतन टाटा सर टाटा ग्रुप के चेयरमैन बन गए और भागदौड़ संभालते ही सबसे पहले उन्होंने टाटा के बिजनेसेस पर ध्यान देकर
उसे मजबूत किया और फिर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज का एक्विजन करना शुरू कर दिया। साल 2000 में टेटली, 2007 में क्रूज ग्रुप, 2008 में जैगुआर और लैंड रोवर का एक्विजिशन कर उन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया। बिजनेस में अपना झंडा गाड़ने के साथ ही उन्होंने टाटा परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए टाटा ट्रस्ट का निर्माण किया, जो आज देश की लार्जेस्ट चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में से एक है। 2012 एक सिलेक्शन कमेटी के जरिए साइरस टाटा ग्रुप का अगला चेयरमैन बनाया गया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रतन टाटा सर के सौतेले भाई नोवेल टाटा की शादी क्रूज मिस्त्री की बहन से हुई थी। इस तरह से अगर देखा जाए तो रतन टाटा सर क्रूज मिस्त्री में जीजा और साले का रिश्ता था। टाटा का मैनेजमेंट बोर्ड क्रूज मिस्त्री के काम से सर्टिफाइड नहीं था, इसलिए रतन टाटा सर कंपनी के मामलों में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे। और साल 2016 में क्रूज मिस्त्री को टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से हटा दिया गया। उसके बाद 2017 में नटराजन चंद्रशेखरन को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया, जिन्होंने 30 सालों तक टीसीएस में काम किया था और आज भी टाटा ग्रुप उनके लीडरशिप में ही तेजी से आगे बढ़ रही है। टाटा ग्रुप के कुछ आंकड़ों को जानकर आप हैरान हो जाएंगे। आज टाटा ग्रुप के पास 100 से भी ज्यादा कंपनीज है, जिनका कुल मार्केट कैप $311 बिलियन यानी कि 25 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 5000 से भी ज्यादा लिस्टेड कंपनीज में टाटा ग्रुप की 29 कंपनी है, जो BSE के कुल मार्केट का 9% होल्ड करती है। दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों में टाटा के ऑफिसेस है और टाटा के कुल रेवेन्यू का 67% हिस्सा इंडिया के बाहर से आता है। और यही नहीं, टाटा ग्रुप इंडिया आर्मी और रेलवे के बाद देश की तीसरी सबसे बड़ी एम्प्लॉयर भी है, जिसने 935,000 लोगों को रोजगार दे रखा है। और अगर इंडिया की GDP की बात करें तो देश की कुल GDP का 4% हिस्सा टाटा ग्रुप से आता है, जबकि देश की टोटल टैक्स कलेक्शन का 2.25% हिस्सा यानी कि लगभग 50,000 करोड़ टाटा ग्रुप अकेला देता है। टाटा ग्रुप की सारी कंपनीज का ओनर टाटा सन्स है, जिनके ज्यादातर शेयर ट्रस्ट के पास है। जहां एक तरफ प्राइवेट कंपनीज कमाने के बाद कुछ रकम दान करती है, वहीं टाटा हमारे देश की ऐसी कंपनी है जो दान करने के लिए कमाती है। टाटा ऐसी कंपनी है जिसने अपनी तिजोरी भरने से ज्यादा देश को संपन्न बनाने में और एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए काम किया है। तो मुझे उम्मीद है आपको टाटा फैमिली और टाटा के बारे में हर चीज की जानकारी मिल गई होगी जो आपको जाननी चाहिए थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।